हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 10th एंड नॉर्मल को कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी फंक्शन है, जैसे कि हमने पहले इनिंग एंड डिनिंग फंक्शन पढ़ा, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, कहीं से फिर घटने शुरू हो गया, बढ़ रहा है घट रहा है, एक इंटरवल में या तो केवल बढ़ रहा है, एक इंटरवल में या तो केवल घट रहा है। तो जब चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, इसकी पीक वैल्यूज होगी और उस पीक वैल्यूज को हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको मैं दो तीन पॉइंट सबसे पहले बताना चाहूंगा। कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो लॉगरिथमिक हो, चाहे वो अलजेब्रिकल हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, जिसका भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं उसकी कोई ना कोई पीक वैल्यू जरूर होगी, या कोई इसी इंटरवल, डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू किस इंटरवल में आ रहा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू चलती है, ना तो मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा, वो एक बराबर भाग में चलता रहेगा, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। मैं आपको समझाना चाहूंगा, ऐसे देखो हमारा कर्व ऐसे हो सकता है, ये इंक्रीज हो रहा है, किसी पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, किसी पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, एक ऐसे जा रहा है वो डिक्रीज होता हुआ है, और कुछ ऐसे जा रहा है इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी होगी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। लेकिन कुछ ऐसे होगा, ऐसे जा रहा है कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है, तो ना तो आप उसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हो और ना ही आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, यानी कि द फंक्शन में भी हमें है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम जो होता है उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से फंक्शन है, किस पॉइंटिकल इंटरवल में उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, या किस पॉइंट पर उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, किस पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन सा पॉइंट होगा, तो ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसमें आपको तीन तरह से करना है। मैक्सिमा मिनिमा का मैं टाइप की अगर बात करूं तो सबसे पहले हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बिना डेरिवेटिव का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे जैसे आप इसमें x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे fx की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर आप x की वैल्यू कम करोगे तो भी fx का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे अगर मान लो आप x को लेते हो 0 तो fx की वैल्यू क्या होगी, x और fx। अगर आप x को 0 लेते हो तो fx की वैल्यू 1, अगर आप x को 1 लेते हो तो fx की वैल्यू 0, अगर आप x को 2 लेते हो तो fx की वैल्यू 1, अगर आप x को 3 लेते हो 4। यानी आपने देखा है जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं fx की वैल्यू बढ़ता जा रहा है। इसको मत देखो आप पहले 1 को, 1 का कुछ और मैं भी आपको समझाऊंगा। यहां से 1 से जैसे आप आगे बढ़ते हो fx की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब अगर मान लो कि मैंने x को लिया -1 तो fx की वैल्यू क्या आएगी, 4। अगर मैंने x को लिया -2, अगर -3, 6। या मैंने -1 -2 क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं, घटा रहा हूं। तो x की वैल्यू जब मैं बढ़ा रहा था तो भी fx बढ़ रहा था, x का वैल्यू घटा रहा हूं तो भी fx बढ़ रहा है। इस इंटायर fx के वैल्यू में आपको मिनिमम वैल्यू कहां दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू fx की क्या दिख रहा है, 0। और वो मिनिमम वैल्यू कब आ रहा है, 1 पे। यानी कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी एट x इज इक्वल टू 1। ऐसे बिना डेरिवेटिव का भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मिनिमम जो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही मान लो कि अगर हमारे पास ऐसे होता fx इज इक्वल टू -x2, यानी यहां पर क्लियर हो गया कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग होगा, मतलब बढ़ता ही जाएगा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। जैसे जैसे fx की वैल्यू बढ़ जाओगे fx बढ़ता जाएगा,
लेकिन आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो इसकी। तो मिनिमम वैल्यू कितना आया? जीरो एट विच पॉइंट? वन। तो x बराबर वन जो है वो हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड मिनिमम वैल्यू जो हो गया वो हो गया जीरो। अब हम बात करते हैं, मान लो तुम्हारे पास एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स और एफ एक्स। आप देखो एक्स को जीरो रखोगे जीरो आएगा, वन रखोगे वन आएगा, माइनस वन आएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। माइनस एक्स का स्क्वायर नहीं है ये, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं इसमें माइनस वन रखते हैं तो भी प्लस ही वन आएगा क्योंकि देखो सॉरी माइनस वन ही आएगा क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अगर आप टू रखते हो माइनस फोर, अगर आप माइनस टू रखते हो, यानी आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, fx की वैल्यू घट रहा है, माइनस वन माइनस फोर माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन। आप x की वैल्यू बढ़ाते हो तो भी fx घट रहा है, x की वैल्यू घटाते हो तो भी fx घट रहा है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या दिख रहा है fx की? जीरो। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जीरो हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे एफ एक्स की वैल्यू घटती जाएगी, घटाते जाओगे तो भी घटती जाएगी, तो हमें मिनिमम वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ये हमारा हो गया विदाउट डेरिवेटिव वाला, जो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देख करके कर सकते हो। दूसरा हमारा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मैं आपको मतलब बता दे रहा हूं कैसे करते हैं, बाकी आपको पेपर में इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कह रहा है कि हम एफ एक्स की वैल्यू, मतलब एफ एक्स जो गिवन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करके और ये पता करते हैं कि किस इंटरवल में मिनिमम होगा या किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एलोगरिथम है, मैं आप सीट में सबसे पहले आपको सीट एक मिलेगा जिस पर आप देखोगे सारे पॉइंट्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको क्या करना होता है, पहले आपको एफ एक्स लेना होता है, पहला स्टेप हमारा एलोगरिथम है एफ एक्स, दूसरा स्टेप है एफ डैश एक्स, तीसरा स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, बाय एफ डैश एक्स, बाय टेकिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर मान लो कि आपको एक्स की वैल्यू आ गया एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वगैरह वगैरह जो कि हमारे इंटरवल में है। अब हम एक एक पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट को हमने लिया, मान लो जैसे ये वैल्यू हमारे पास है टू है थ्री है माइनस फाइव वगैरह वगैरह, हमने टू लिया, एक बार हमने 2 से छोटी कोई वैल्यू ली स्लाइटली लेस स्मॉलर देन 2 और उसको एफ डैश एक्स के अंदर पुट किया और मान लो कि पॉजिटिव आता है और हम एक बार फिर 2 से थोड़ा बढ़ाकर वैल्यू लेते हैं, तो अगर मान लो कि नेगेटिव आता है तो ये पॉजिटिव से अगर नेगेटिव मूव कर रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करने का मतलब क्या हुआ, बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। जब घट रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है तो जो पहला पॉइंट था यानी कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और ये वैल्यू फंक्शन के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एक बार फिर से देखो, जो हमने पॉइंट कंसीडर किया उसमें हमने एक बार स्लाइटली लेस वैल्यू ली, एक बार स्लाइटली मोर वैल्यू ली, लेस लेने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है और मोर लेने पर अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि इस पॉइंट से हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और इस एक्स की वैल्यू को जब हम एफ एक्स में पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर मान लो किसी पॉइंट को हमने लिया और पहले निगेटिव आया, लेफ्ट में निगेटिव आया और राइट में पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है लेफ्ट से पॉजिटिव यानी कि बढ़ रहा है, लेफ्ट निगेटिव से पॉजिटिव का मतलब कि बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा, यहाँ मिनिमम हमें मिल चुका है, मिनिमम यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट था, यहाँ पर अगर निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। और आपकी एफ एक्स के अंदर जो वैल्यू पुट करोगे वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी।
तो ये आपका पॉइंट है, इसमें मैं लिखा हूं, इसमें जो आप क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव से निगेटिव तो इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन अगर मान लो कि लेफ्ट में भी पॉजिटिव आ गया और राइट में भी पॉजिटिव आ गया, या लेफ्ट में निगेटिव और राइट में भी निगेटिव, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी जो हमारे ये पॉइंट्स निकले थे 2, 3, 5 वगैरह, इनको हम चेक करते हैं, जिसका मैं आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आपके भी पेपर में नहीं आने वाला है, अभी आपको कंफ्यूजन होगा, हम बाद में इसमें डिस्कस कर लेंगे। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। यहां पर हमारे को पॉइंट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ दूसरे जो हमारा एब्सोल्यूट वाला है उसमें आपको एक इंटरवल दे रखा होता है एक्स और वाई, ऐसे मान लीजिए जैसे दे रखा है 2 और 5, फिर आपने एफ एक्स लिया, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स को 0 लेकर के आपने एक्स की वैल्यूज निकाल ली। अब एफ डैश एक्स को 0 लेके जो आप एक्स की वैल्यूज निकाल रहे हो उसमें से केवल आप उन्हीं पॉइंट को कंसीडर करोगे जो इस इंटरवल के बीच में लाइज कर रहा है, ये क्लोज इंटरवल होगा, ओपन नहीं होगा। फिर इनको हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर हमारे को एक 1 आ गया, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया और एक 7 आ गया, तो इन पॉइंट में इनमें से कौन कौन लाइज करेगा, 3 और 4। तो एक पॉइंट हमारे पास 2 था, एक मिल गया 3, एक मिल गया 4 और एक आ गया 5। फिर इसमें सेकेंड डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं होती है, बारी बारी से इसको हम एफ एक्स के अंदर पुट करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे, एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार 5, मतलब जितने पॉइंट मिलेगा सबको पुट करेंगे, इंक्लूडिंग दीज 2 नंबर्स आल्सो। फिर हम देखेंगे कि उसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है, वो मिनिमम हो गया, और सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, वो मैक्सिमम हो गया। अब सबसे छोटा वैल्यू जिस पॉइंट पर आया, मान लो कि 2 पुट करने पर सबसे छोटा आ गया तो 2 मिनिमम वैल्यू हो गया, और मान लो कि 4 पुट करने पर सबसे बड़ा आ गया तो 4 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हुआ, और 4 पुट करने पर जो वैल्यू आई थी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मान लो 2 पुट करने पर अगर सबसे छोटी वैल्यू आ रही है तो 2 पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया, और जो वैल्यू आई थी वो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा है। नेक्स्ट जो है वो है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, स्टेप हमको यहां तक तो बिल्कुल सेम चलना होता है, 3 पॉइंट आपका बिल्कुल सेम है, पहले आप एफ एक्स लोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स को 0 मान करके एक्स की वैल्यूज निकाल लोगे, मान लो कि हमने निकाल लिया एक्स बराबर x1 x2 x3। फिर चौथा स्टेप में आएगा एफ डबल डैश एक्स निकालना, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, फिर एक एक पॉइंट लेना है जहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, वो होगा x1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, एंड मतलब x1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया, एंड fx1 मतलब फंक्शन के अंदर पुट करेंगे इज मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं जो अगर ये नेगेटिव आ गया, तो अगर ये f डबल डैश x2 ले लो या x1 कुछ भी ले लो, अगर ये लेस देन 0 आता है तो ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम कहलाएगा, और fx1 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, देन x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्स। ध्यान रखना इसमें उल्टा होता है, पॉजिटिव है मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव है इंक्रीज हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू देगा, नेगेटिव है डिक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ ऑफ x1 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये आपका एलोगरिथम है, ये मैंने आपको समझा भी दिया, और आपको इसी वीडियोस के बीच में आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएगा,
और पॉइंट ऑफ, अगर मान लो कि इसमें हमारा पॉजिटिव निगेटिव आया, अगर ये जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। फिर हम उसको दोबारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपको करना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस की, आपको मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, आप इनको करना, फिर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो कि आपको एग्जांपल नंबर 32 दे रखा है, इसमें इस बुक में थोड़ी गलतियां हैं, आप ध्यान रखना, अपने हिसाब से करना। आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है और डेरिवेटिव को फैक्टराइज कर लिया इन्होंने यहाँ पर। उसके बाद f(x) को जीरो मान करके एक्स की वैल्यूज निकाल दी, एक वन आ गया और एक -2 आ गया। अब इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिया है। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो कोई इशू नहीं है, बस आपने इन्होंने जो कॉमन लिया है ना, वो कॉमन लेने में से गलती हो गई है। जब 12 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर आपका 3x² और +2x और -2 होगा, जो कि इन्होंने गलती से -1 लिख लिया है। फिर आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, उसमें हमने x की जो तीन वैल्यूज निकली हुई है 0, 1 और -2, बारी बारी से उसको पुट करेंगे। जिस पॉइंट पर निगेटिव आएगा वो हमारा मैक्सिमा होगा और जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आएगा वो हमारा मिनिमा होगा। मैं डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। और ऐसे ही आपका एग्जांपल नंबर 33 भी है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं एब्सोल्यूट वाला, क्योंकि एग्जांपल आपको हो जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात है, ये मैं आपको एग्जांपल एक दिखा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 39 और 40 को ध्यान से देखो, फिर इसमें क्वेश्चन एग्जांपल एक्सरसाइज को मैं करा दूंगा तो आपका एग्जांपल आसानी से हो जाएगा। जो हमारा एग्जांपल नंबर 39 है, यू आर गिवन एक फंक्शन आपको गिवन है और एक इंटरवल गिवन है 1.5। सबसे पहले फंक्शन लेकर के उसको डिफरेंशिएट कर दिया और इसके बाद हम फैक्टराइज इसलिए कर लेते हैं ना ताकि वैल्यू पुट करने पर हमें आसानी से वैल्यू मिल जाती है। फैक्टराइज कर लिया मतलब f(x) निकाल लिया, 6 कॉमन ले लिया, x डिनोमिनेटर टर्म से फैक्टराइज कर लिया। फिर f(x) को अगर आप 0 मानते हो तो x की आपको दो वैल्यू मिल जाएगी, एक 2 और दूसरा 3। फिर उस 2 और 3 को जो कि हमारे 1 और 5 के बीच में लाइक कर रहा है, 1 और 5 है और 2 और 3 आपको और मिल गया, तो इस तरह से आपके पास पॉइंट हो गया 1, 2, 3 और 5। फिर देखो इन्होंने डायरेक्ट एक बार f1 निकाला, 24 आया, F2 निकाला 29 आया, F3 निकाला 28 आया और F5 निकाला 56। अब आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि F5 की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो 56 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 5 एंड 24 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और एग्जांपल नंबर 40 आपका ये भी वही है एब्सोल्यूट वाला। एब्सोल्यूट वाले में आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है और इसमें जो एक्सरसाइज है फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, हालांकि मैं आपको बता दूंगा इसमें आप कोशिश करोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा क्योंकि आसान है वो। आपका जो एग्जांपल नंबर है एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, जो शुरू के एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो आपका पेज नंबर 218 है एनसीईआरटी में, आपको कर्व भी समझाया गया है। कर्व में अगर आपको पीक दिख रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम हमें पता है, मिनिमम कहां तक जाएगा नहीं पता। अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो आपको मिनिमम भी पता लग जाएगा, मैक्सिमम भी पता लग जाएगा। आपका पैराबोला का कर्व अगर ऊपर बनता हुआ दिख रहा है तो मिनिमम आपको पता चलेगा, मैक्सिमम कहां जा रहा है वो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर कर्व कभी ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, जैसे साइन का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ होता है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम सब कुछ निकलता रहता है और वहां पर अगर आपको एक इंटरवल दे रखा है तो आप मिनिमम और मैक्सिमम उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन कर सकते हो। बिना इक्वेशन वाला भी आपका, बिना डेरिवेटिव वाला भी ग्राफ है। जैसे मान लो कि f(x) बराबर x है, अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है f(x) = x, तो f(x) = x में ना तो हमें मिनिमम वैल्यू का पता चलेगा ना ही मैक्सिमम वैल्यू का पता चलेगा। अगर वहां x बिलोंग्स टू r कर दे, क्योंकि मिनिमम हो जाएगा -∞ और मैक्सिमम हो जाएगा +∞। लेकिन अगर 0 से 1 इंटरवल आपको दे दिया गया है तो आप पढ़ के देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसमें कुछ लाइंस हैं उसको आप ध्यान रखना। जैसे लिखा होगा एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल हैज अ मैक्सिमम
एंड अ मिनिमम वैल्यू। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है यानी ग्राफ बिना ग्राफ इसका बिना ब्रेकिंग अगर जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और मिनिमम वैल्यू भी होगी। तो ये है, आप इसके एक बार देखो, एक बार इसको पढ़ो पहले ध्यान से, फिर मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस के वीडियोस बनाकर भेज दूंगा। आप इसके सारे रूल्स को भी पढ़ना, इसमें वर्किंग रूल भी है, मेरे वीडियोस को देखना, मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ उसको भी पढ़ना, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में सारे वीडियोज आपको मिलेंगे जो उसमें चूंकि पेड वाले हैं, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे जो मेरे स्वयंचन को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी बच्चों को भी अगर उन वीडियो की जरूरत है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वेरी रिजनेबल कॉस्ट पे वो वीडियोज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी जिस पैंडेमिक में चल रहा है उसके हिसाब से एकदम लो कॉस्ट पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करना।